आज भाजपा का बौखलाना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब वो 2024 में आने वाले हैं। शिक्षा मंत्री या हमारी सरकार, हमारे नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री या हमारे नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, वो वचनबद्ध है कि हमारे यूथ और महिला और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे की लगातार काम किया जा रहा है। ये हमारा हमेशा एजेंडा में रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई झूठ और फरेब की राजनीति नहीं की एक रैली हुई थी, उसी दिन ये आगाज हो गया था। अब तो अंजाम का इंतजार है और 2024 में निश्चित रूप से, अभी जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एकजुट हो गई हैं और एक छतरी के नीचे आ गई हैं, और आगामी 12 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बिहार में आयोजित की गई है, तो निश्चित रूप से अब अंजाम होने वाला है और 2024 में केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हटने वाली है। और देखिए 12 जून को पटना में बैठक होने वाली है, पूरे देश भर के जितने विपक्षी दल के नेता हैं सब कोई एकजुट हो रहा है, और 2024 में कौन होगा किंग, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस मुद्दे पे चर्चा होगी। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की नेत्री सारिका पासवान जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस पे क्या विचार है और 12 तारीख को बैठक में क्या ऐसी अहम जो भूमिका होगी, किसकी अहम भूमिका होगी देखने को मिलेगी और क्या उसकी फायदा होगा। मैम सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। 12 जून को बैठक होने वाली है बिहार में और शायद दो है और क्या क्या होने वाला है उसमें। देखिए 2024 का शंखनाद तो बहुत पहले ही हो गया, महागठबंधन की एक रैली हुई थी, उसी दिन ये आगाज हो गया था। अब तो अंजाम का इंतजार है और 2024 में निश्चित रूप से, अभी जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एकजुट हो गई हैं और एक छतरी के नीचे आ गई हैं, और आगामी 12 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बिहार में आयोजित की गई है, तो निश्चित रूप से अब अंजाम होने वाला है और 2024 में केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हटने वाली है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की सुख बुगाहट हल्का मच गया है, अब वो डर और दहशत से वो कांप रहे हैं और कांप के तरह तरह के बयान आए कि जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को छला, झूठे छला तरीके से उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, अब देश ही नहीं आज बिहार की जनता ने भी सवाल पूछना शुरू है आपके वो वादे जो आपने देश से और राज्य से किया था, तो निश्चित रूप से आज तमाम जो देश की जनता है वो उन्होंने कमर कस लिया है और पूरी जो विपक्षी दल है वो भी एकजुट हो गई है। 2024 में अंजाम आपको देखने को मिलेगा और केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी हटने वाली है। उनकी बैठक में कौन कौन नेता शामिल होने वाले हैं, क्या राज्य शामिल हो सकते हैं क्या उसमें? देखिए अभी तो लिस्ट नहीं है, नहीं पाऊंगी कुछ दलें जो हैं आने की उम्मीद है और मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय कि उसमें सम्मिलित होंगे और तमाम जो दलों के बड़े नेता वाले हैं आपको पूरी जो कहते हैं नामों की सूची भी दी जाएगी और भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, महीने की जो पहला दिन है और मना देते हैं उनकी 2024 क्या होगी बताइए। जन जन के नेता कहे जाने वाले नेता और जिस तरीके से उन्होंने एक क्रांति देश में लाए 1990 में जब यहाँ जो सत्ता में जब आए 1990 में जब वो सत्ता में आए थे तो उसके पहले क्या था, गरीब समाज के पिछले पैदान पे खड़े होती थी कि वो हो सके, लेकिन जब 90 के दशक में लालू जी सत्ता में आए को वो ताकत दी और उसके बाद से एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव जो हुआ सामाजिक तौर पे हुआ, तो निश्चित रूप से अब जो हमारे तेजस्वी यादव जी वो आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर के मुखरता से तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, और बिहार में जब से हमारी सरकार है इन विषयों पे काम भी कर रहे हैं वचनबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से वो बिहार को विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो ये हमारा हमेशा एजेंडा में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते। क्या लग रहा है आप लोग के साथ जनता ट्रस्ट करेगी, जो बिहार की जनता और ट्रस्ट शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हालांकि उस नोटिफिकेशन से जो शिक्षक अभ्यर्थी है नाखुश दिख रहे हैं, क्या वो शिक्षक अभ्यर्थियों का आपको साथ मिलेगा?
देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी थे, 2.5 साल से वो अभ्यर्थी जो है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज से सताया गया, मैं तो कहूंगी। लेकिन जब से बनी है, जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने तुरंत उनके नियमावली को भी निकलवाया और लगातार उस पर हमारा कार्य चल रहा है कि किस तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो और भी आगे भी हमारे जो शिक्षा मंत्री या हमारे सरकार, हमारे नीतीश जी हो, हमारे मुख्यमंत्री या हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, वो वचनबद्ध हैं कि हमारे यूथ और महिला और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कि लगातार काम किया जा रहा है और एवरीडे निर्णय तरह तरह से लिए जा रहे हैं, पॉजिटिवली लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि रोष कहीं नहीं है और वो शिक्षक अभ्यर्थी खुश है कि बहुत लंबे टाइम के बाद से अंततः वो नियमावली प्रकाशित की गई और आगे भी उनको उम्मीद है सरकार से कि सरकार उनके लिए बेहतर कार्य करेगी। मैं थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए 24 के शिक्षा बेरोजगारी या उसको हमारे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा एजेंडे पे बात करते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा एजेंडे पे बात की। पिछले बार भी आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में उनका एक ही एजेंडा था कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को इस महंगाई से छुट्टी चाहिए, एक जो कहते हैं सुरक्षित वातावरण महिला में। कोरोना काल में आपने देखा है तो वो तमाम चीजें जो वो देख करके वो जान रहे थे कि लोगों की जरूरतें क्या आए हैं। भाजपा बौखलाई हुई है, दे रही है उसपे, आप उसपे क्या कहना चाहती हैं? भाजपा का बौखलाना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब वो 2024 में आने वाले हैं नहीं, तो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वही फड़फड़ाहट है और कुछ नहीं। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सच्चाई भी है, जब आंधी पानी आता है तो दिया फड़फड़ाता है ऐसे। तो हमारे साथ साथ ही सारिका पासवान जी से साफ तौर पर बातचीत हुई, 12 जून को जिस तरीके से बैठक होने वाली है उस मुद्दे पर बातचीत हुई और इनका सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शायद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी उस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और देश भर की सभी विपक्षी दल के नेता उस मीटिंग में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 12 जून को निर्णय निकल कर क्या सामने आती है जनता के सामने। और सारिका पासवान ने साफ तौर पर ये कहा कि मौसम बिगड़ने से पहले दिया बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा किंग मेकर। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक करते करते जरूर जाइएगा। शुक्रिया।